नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों तो टॉपिक जो है हमारा वो है दोस्तों प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसे कि वियना स्कूल भी कहा जाता है। दोस्तों ये दी गई थी हैंस केल्सन के द्वारा, जो कि एक ऑस्ट्रियन थ्योरिस्ट थे और ये जो थे वो एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते थे। दोस्तों ये थ्योरी जो थी दोस्तों, वैसे तो 1911 में इसका एक रिफ्लेक्शन मिला था कि इस तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस की जा सकती है, पर एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1934 में और इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था 1960 में। जो मेन पर्पस था दोस्तों इस थ्योरी का, वो ये था कि लॉ को आप एज अ लॉ ही स्टडी करें, यानी कि कानून को आप कानून की तरह ही स्टडी करें। कानून को आप बाकी जो विषय हैं जैसे राजनीति है या सोशोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है, उनसे ना जोड़ें। यानी कि अगर किसी आदमी ने चोरी की है तो हमारा काम इतना है कि चोरी की है तो ठीक है भाई, आपको सज़ा मिलेगी जितनी भी लॉ के अंडर होगी। हम उस चोरी के कारण के पीछे नहीं जाएंगे कि इसके लिए सोशल कारण क्या है, या इसमें जो पॉलिटिकली क्या हमारा एक इंटरफेरेंस है, या फिर साइकोलॉजिकली इस पर क्या रोल रहा है, इन चीज़ों के पीछे हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, उसको पनिशमेंट करेंगे प्योरली कंसर्न विद लॉ, और बाकी चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है। और दोस्तों जो आइडिया ऑफ द ग्रंड नॉर्म था, ग्रंड नॉर्म भी एक आइडिया था जो इन्होंने हैंस कल्सन ने दिया था, वो बेसिक है इस प्योर थ्योरी का। क्योंकि जितने भी लॉ हैं जो कानून है वो कहाँ से आते हैं, वो हैंस कैल्सन के अकॉर्डिंगली वो आते हैं ग्रंड नॉर्म से। ग्रंड नॉर्म मतलब सुप्रीम नॉर्म, सबसे ऊपर जो लॉ होता है, यानी कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। तो उनके बारे में कहना था कि भाई ये जो है ग्रंड नॉर्म है, यही सब कुछ है, इसी से ही जो जितने भी प्योर लॉ हैं, जब प्योर जितने भी कानून निकलते हैं वो सारे इसी से ही निकलते हैं। इस थ्योरी का आने का सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों कि जो कैल्सन से पहले के थ्योरिस्ट थे, उन्होंने लॉ को बाकी चीज़ों के साथ बहुत कन्फ्यूज किया हुआ था। जैसे कि पहले जॉन ऑस्टिन आए थे, जॉन ऑस्टिन के बाद फिर नेचुरलिस्ट आ गए, उन्होंने फिर कन्फ्यूज किया, फिर हैंस कैल्सन आ गए और इन्होंने फिर उसको रिफॉर्म किया और कहा कि भाई जब हम लॉ की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्योर, सिर्फ लॉ की बात, बाकी एलिमेंट जो है उससे बाहर। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, यानी लॉ इज, यानी लॉ क्या है उसकी स्टडी करनी है, लॉ ऑट क्या होना चाहिए भाई, इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उन चीज़ों की स्टडी हम नहीं करेंगे, हम लॉ इज की स्टडी करेंगे। और दोस्तों इसका इम्प्लीकेशन जो था वो ज़्यादातर पड़ा वो नेचुरल लॉ पर ज़्यादा रहा है, क्योंकि नेचुरल लॉ जो था वो ज़्यादातर डिवाइन लॉ या नेचर की बात करता था या ऐसी बातें करता था जो कि जनरली हम प्रूव नहीं कर सकते या जिनकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत कम होती है। तो उन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए, यानी कि उन चीज़ों को बाहर करने के लिए, या उन चीज़ों को कानून से बाहर करने के लिए हैंस कैल्सन ने जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो थी उनका कंसेप्ट दिया।